हाँ जी दोस्तों, तो नमस्कार, गेट सक्सेस 247 की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल किस बारे में है, आपकी स्पीड बढ़ाने के बारे में, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम देने की स्पीड बढ़ाने के बारे में। साथ ही साथ ऑनलाइन एग्जाम की जो आपकी घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, सभी को आज इस वीडियो में दूर कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखना, क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हो, आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, स्पीड बढ़ती है तो एक्यूरेसी कम हो जाती है, मिस्टेक ज्यादा होती है। एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हो, मिस्टेक नहीं करना चाहते हो तो स्पीड कम हो जाती है। ये क्या चक्कर है भाई, यही तो चक्कर होता है ऑनलाइन एग्जाम का, ठीक है, आप सभी को पता है। ये सारी चीजें आपके साथ है अगर, ठीक है, और इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम देने में कोई भी दिक्कत आती है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखना, बेस से चीजें उठा के सीखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम हमारी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैसे एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम बढ़ा सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जितना गिवन टाइम होता है उसमें एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, हमारा टाइम आगे पीछे ना हो, टाइम मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट हो। ये सारी चीजें एक साथ करने के लिए वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से ऐसे एग्जाम देना है। ऑनलाइन एग्जाम देना सबको आता है, ऑनलाइन एग्जाम देना आजकल किसे नहीं आता है, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, शायद पहली बार देख रहे होंगे, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए शायद मुश्किल होगा पहली बार ऑनलाइन एग्जाम देना। तो यूट्यूब ऐसे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक है, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी देते होगे तो उससे भी सीख सकते हो। मेरा वीडियो बनाने का बेसिकली जो मतलब है वो ये है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करना, कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी कैसे लाएं, ये सब चीज़ समझाना चाहता हूँ। करना क्या है, स्पीड बढ़ानी है, एक तो आप जो ऑनलाइन मॉडल पेपर्स होते हैं वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऑनलाइन मॉडल पेपर डेली नहीं, आपके अगर एग्जाम में टाइम है ना तो आराम से 3-4 दिनों से एक सॉल्व करते रहो, वीकली करते रहो, संडे टू संडे करते रहो, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो आप, तो देखिए दोस्तों, स्पीड बढ़ाने से पहले एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो आपने नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है एग्जाम देने से पहले, देखिए एक तो वैसे ही एग्जाम की घबराहट होती है, डबल घबराहट कैसे हो जाती है कि ऑनलाइन एग्जाम देना है, यानी कि घबराहट का स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ पे घबराहट का स्क्वायर हो गया। कैसे कम करना है वही चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या करना है, डर लगता है ऑनलाइन एग्जाम देने से, सभी को लगता है, पहली बार देते हैं तो सबको लगता है, 2-3 बार देने लग जाते हो, हैबिट बन जाती है, लेकिन फिर वो दिक्कत आती है कि स्पीड वगैरह नहीं बनती, तो सारी चीज डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो डर को कैसे खत्म करें, देखिए डर के साथ कभी भी उसके साथ मुकाबला नहीं करना, डर के साथ लड़ो मत, क्योंकि डर के साथ जितना लड़ोगे ना तो वो डराएगा आपको। करना क्या है कि जैसे आप मान लो किसी दिन आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो आप क्या करते हो, किताबें लेके बैठते हो, नहीं तो आप तो खेलने चले जाते हो, मूवी देखने चले जाते हो, ये सब चीजें करते हो ना, मतलब उस चीज से हटके कुछ करना है, ठीक है। तो अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम देने का डर है ना तो ऑनलाइन एग्जाम देने के बारे में सोचो मत, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो ही मत ना, ऑनलाइन एग्जाम है, सिंपल सा ये सोचो, जाना है आपको, एग्जाम देना है, वापस आना है। ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन में क्या होता था, आपके पास पेन पेपर होता है, ठीक है, गोले करने होते हैं, OMR शीट भरनी होती है। कभी सोचा है आप उस चीज में इतना परफेक्ट क्यों, क्योंकि आप बचपन से लेके अब तक पेन और पेंसिल से काम लेते हो, तो इसलिए आप उस चीज में परफेक्ट हो। तो प्रैक्टिस दोस्तों हर चीज मांगती है, कौन सी आजकल ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस नहीं मांगती है, बिना प्रैक्टिस के हो जाए, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, अब देसी जुगाड़, जिनके पास लैपटॉप नहीं भी है, कंप्यूटर नहीं भी है, तो दोस्तों से बोरो कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों से हमारी स्पीड बढ़ सकती है। सबसे बेसिक चीज़, आप जब भी ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हो सबसे बेस्ट कंट्रोल किस पे चाहिए, माउस पे। तो माउस पे कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, घर पे बैठो, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना मत दो। ऑनलाइन एग्जाम आपको वीकली देना है, 10 दिन से 1 बार देना है, 15 दिन से 1 बार देना, वो आपकी अपनी इच्छा है, कैसे भी दे सकते हो, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, वो कैसे बढ़ेगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, दिन में 5-10-15 मिनट बस इतना, क्या करना है, लैपटॉप लो, कंप्यूटर लो, आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो किसी फ्रेंड से ले लो 10-15 मिनट के लिए, तो कोई भी दे देगा आजकल, कोई मना नहीं करता, ठीक है। क्या करना है, माउस को पकड़ना है, 15-20 कोई चीजें एंट्री करनी है, क्लिक करना है कहीं पे, बस सिंपल सा कुछ भी, मूवीज ओपन कर लो, गाने ओपन कर लो, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो चीजें वो कंट्रोल होने लग जाता है। उसके अलावा क्या करना है, MS Office खोल लो, MS Office के अंदर एक्सेल खोल लो। एक्सेल खोलने के बाद क्या करना पड़ता है, वहां पे जो ब्लॉक्स होते हैं ना उनमें एक एक क्लिक करके उसमें कुछ भी टाइप कर लो, कीबोर्ड से आपके कोई भी इच्छा हो, तो क्या है कि उससे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस बनती रहती है। एग्जाम में क्या होता है कि आप एक्यूरेसी कैसे गलत होती है मैं आपको बताता हूँ। स्पीड के चक्कर में हम देखते हैं कि यार 60 मिनट है, फटाफट से टाइम जा रहा है, क्योंकि वहां क्या होता है टाइमर लगा हुआ होता है, तो वो आपको डराता रहता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि ऑप्शन नंबर बी आपको क्लिक करना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्लिक हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, डर की वजह से, घबराहट की वजह से, एक आपका कंट्रोल नहीं होता उसकी वजह से। तो वही चीज आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल कैसा करना है, घबराहट को दूर कैसा करना है वो मैंने आपको बता दिया, सोचना ही नहीं है उस बारे में, एग्जाम ही तो देना है, सिंपल सी चीज है। क्योंकि आप सभी को पता है कि OMR पे आप सभी देते हो, ठीक है, वो सिंपल सी चीज होती है। अब आप सोचो कंप्यूटर, अरे कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं है भाई,
आप चलाते ही हो, दिन भर मोबाइल चलाते हो, क्या है ये? कंप्यूटर का एक पार्ट है और क्या चीज़ है। कंट्रोल आपका बेस्ट है मोबाइल पे, वैसे ही कंट्रोल कंप्यूटर पे हो जाएगा। 10-15 दिन प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं है, ऐसी डरने की कोई भी बात नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये चीज़ें जो मैंने बताई है बहुत बेसिक सी है, काफ़ी दोस्तों को बहुत बेसिक लगेगी कि ये क्या चीज़ बताई आपने, ठीक है। लेकिन दोस्तों बेसिक चीज़ों से ही आपकी जो बड़ी चीज़ है वो एकदम परफेक्ट बनती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम में भी आपको रफ शीट मिलती है, ठीक है ना। रफ शीट पे आप कैलकुलेशन करो, आपको जो भी करना है वहाँ पे, बस जो क्लिक कर रहे हो ना उसको थोड़ा सा ध्यान से क्लिक कर लेना। और वो चीज़ें कैसे होगी वो मैंने आपको बता दी है। छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ बनती है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी भी हाई लेवल की चीज़ एकदम हाई लेवल पे पहुंच के नहीं होती है, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के ही आप हाई लेवल पे पहुंच पाओगे। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखना, ठीक है। कम से कम 10 से 15 दिन करके देखो, आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी जो स्पीड बढ़ेगी, दोनों चीज़ें बढ़ेगी, तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक आपका एकदम बेस्ट हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट ही तो हमें बेस्ट करना था, ठीक है। देसी चीज़ों से और बेस्ट चीज़ों से हमें कैसे करना है वो मैंने आपको वीडियो में बताया, ठीक है। फिर से ऑनलाइन पेपर का पूरा रिवाइज करा देता हूँ। स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, टाइम मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट करना है। करना कैसे है, ऑनलाइन मॉडल पेपर सॉल्व करना है, कंप्यूटर पे कुछ भी चीज़ प्रैक्टिस करनी है 10-15 मिनट दिन में, ठीक है। चाहे कुछ भी चीज़ करो, चाहे एक्सेल खोल रहे हो, चाहे पावर पॉइंट खोल रहे हो, कुछ डाटा एंट्रीज फिल कर रहे हो, माउस पे बहुत बेस्ट कंट्रोल रखना है। तो यही चीज़ें होती है बेस्ट आपके ऑनलाइन एग्जाम देने में, और आपकी कोई चीज़ रुकावट नहीं आएगी। घबराहट नहीं लाना है, डर लाना ही नहीं है। जो चीज़ आप कर रहे हो उस बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। बस ये सोचना है कि ऑनलाइन एग्जाम है, जाना है, एग्जाम देना है, वापस आना है। 3-4 बार ये चीज़ अगर आपके मन में बोल दोगे ना कि जाना है, एग्जाम देना है, वापस आना है, क्या टेंशन है, जाना है, एग्जाम देना है, वापस आना है, जाना है, एग्जाम देना है, वापस आना है, 10 बार बोल के देखो, अभी डर खत्म हो जाएगा। डर क्या चीज़ है दोस्तों, आपसे बढ़ के तो डर है नहीं, पढ़ाई से बढ़ के डर है नहीं। जॉब आपको लगनी है, पढ़ाई आपको करनी है, वो चीज़ करनी पड़ेगी, उसे आप भाग नहीं सकते हो। तो ऑनलाइन एग्जाम देने का जो डर है उसको पहले निकालो, ऑनलाइन एग्जाम देने से पहले। क्योंकि देखिए एग्जाम सेंटर जाने के बाद कोई डर नहीं निकाल पाता है, ठीक है। वहाँ तो डर लगेगा ही लगेगा, अगर आप पहले नहीं निकालोगे तो वहाँ डर डेफिनेटली लगेगा। तो उस डर को कम कैसे करना है, सारी चीज़ें बता दी, रिवाइज करो। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से देखो, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई है। कई दोस्तों को तो लगेगा कि क्या चीज़ें बता दी है, ये चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन पता है तो करो ना, करते क्यों नहीं हो, पता है तो करो, अप्लाई करो अपने लाइफ में। चीज़ें जब अप्लाई करोगे ना तभी उसका कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, आउटकम मिलेगा। आउटकम तभी मिलता है जब हम कुछ चीज़ को अप्लाई करते हैं। और चीज़ें वही है, जड़ से चीज़ें करोगे तो बेस्ट आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से यहाँ पे क्लिक कर दिया, वहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए मेरा इस वीडियो को बनाने का बेसिकली मकसद यही था कि आपको चीज़ें बेसिक से जड़ से समझाना, ठीक है। नहीं तो वैसे तो मैं वीडियो बना सकता था, ठीक है, स्क्रीन पर लाता कि यहाँ पे दोस्तों क्लिक करना है, यहाँ से ये ऑप्शन खुलेगा, यहाँ से ये ऑप्शन खुलेगा। वो तो क्या होता, वो तो ऑनलाइन एग्जाम देने का प्रोसेस है, वो तो आपको हर कोई बता देगा, हज़ारों यूट्यूबर्स ने पहले से बता रखा है, आप ऑनलाइन एग्जाम देते भी हो, आपको भी पता है। लेकिन बताना वो नहीं है, बताने की जो चीज़ है, वीडियो बनाने का मतलब ही तभी निकलता है जब चीज़ आप उस चीज़ को एकदम समझा पाओ, बता पाओ, ठीक है ना। तो जो मैंने कोशिश की है, उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है और भी कोई चीज़ के अलावा, आपको कोई और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, ठीक है, जिस पे ऐसे मैं डिस्कस कर सकूँ आपके सामने, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये चीज़ें पसंद आई हो, वीडियो में सब कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना दोस्तों, इसी टाइप के एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस डेली देखने के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।